तो आज हम फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हो गए हैं, हमारे दोनों भाई अंसार खान साहब और हमारे श्याम जी। और पिछली वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा सराहा और उसमें थोड़ी सी बात ये आई कि आप और भी ज़्यादा ईबर्ड के बारे में, मर्लिन ऐप के बारे में जानना चाहते हैं। तो हम अब की बार उस वीडियो को थोड़ा सा डीपली बनाना चाहेंगे, जितने भी हमारे व्यूज़र हैं, क्योंकि उनके काफ़ी कमेंट्स आए, कुछ के फ़ोन आए कि भैया थोड़ा सा डिटेल में समझाओ, क्योंकि पहली जो वीडियो हमने बनाई थी वो बिगनर के लिए बनाई थी। तो इस दिशा में हम प्रयास करने के लिए आज फिर जमा हो गए हैं और मैं दोनों भाइयों का फिर से अपनी वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप आए और आपने बहुत अपना अमूल्य समय दिया, क्योंकि अभी एक वीकेंड मनाया जा रहा है उसमें ये काफ़ी बिजी भी हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मैं इन दोनों भाइयों से एक बार फिर पुनः आग्रह करता हूँ कि हमको अब इस वीडियो के बारे में और डिटेल में ज़रा समझाएं, जिससे हम कुछ अपनी तरफ से भी प्रयास कर सकें। तो जी प्लीज़। नमस्कार आप सभी का और धर्मेंद्र भाई साहब का स्पेशली थैंक यू कि हमें सेकंड चांस दिया और इन्हें बताया कि आपका जो पहला वीडियो हमने बनाया था उसको और ज़्यादा अच्छी तरह से हम उसको समझा सकें। तो इस बार मैंने श्याम जी से बोला है कि आप अपने मोबाइल में पूरे ऐप को स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग से ले कर आईडी बनाने तक पूरा डिटेल में आपको ये बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और सारी चीज़ों के बारे में समझाएंगे। सो क्योंकि अभी वीकेंड भी आने वाला है, ग्लोबल बर्डिंग वीकेंड, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे तो हमारी चेकलिस्ट जो है, और जितने भी लोग कर रहे हैं नए हैं, तो अच्छी से अच्छी चेकलिस्ट आएंगी तो हमारे डाटा के लिए बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू अंसार जी, थैंक यू धनंजय जी, बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने, आप बता रहे हैं आप जैसे कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और लोग उससे कुछ सीखने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछला वाला जो वीडियो जिससे जो हमारी टॉक हुई थी, बात कर रहे थे हम लोग, पिछली बार बात कर रहे थे बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल। तो अभी बात आ रही है क्यों ना हम इसको पूरी तरीके से अब खुल के सीखा जाए। जब आप अब ये उस वीडियो से मेरे हिसाब से बेसिक चीज़ें आप मोटी मोटी समझ गए होंगे, लेकिन जब हम ये मोटी मोटी समझ जाते हैं तो फिर अब हमें पूरा प्रोसेस कम्प्लीटली हमारे पास आना चाहिए। तो अभी श्याम जी से स्टार्ट करते हैं, अपनी मोबाइल में हमें ये बताइए कि ईवर्ड को कहाँ से लेते हैं, कैसे अपलोड करते हैं और किस तरीके से प्रोसेस शुरू से स्टार्ट होता है। जी श्याम जी, तो जैसा कि आपको मालूम है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्यारा और हेल्पफुल ऐप है ईबर्ड, बिल्कुल, जिससे कि आप एक ऑथेंटिक और प्रमाणिक बहुत अच्छी चेकलिस्ट या आपका डेटा इकट्ठा कर सकते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपको, जिन लोगों ने पिछली बार देखा है कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन मैं फिर दोबारा से एक बार उस प्रोसेस को आपको बता दूंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ चीज छूट ना जाए। जी, तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर जाएंगे। जी ठीक है, प्ले स्टोर पर सर्च का जो आइकन है इसमें हम लोग ईबर्ड टाइप करेंगे, ई बी आई आर डी, ठीक है, सर्च करेंगे तो आपको एक लोगो दिख रहा है लेफ्ट में, ई और कैपिटल बी के साथ बर्ड। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, श्याम जी जब बोल रहे हैं तो स्क्रीन की तरफ ज़्यादा ध्यान रखें, जो आपके साइड में दिख रही है उसको देखते रहें कि उस पर ये किस तरीके से लिख रहे हैं, कोई स्पेल मिस्टेक ना हो, प्लीज़। जी स्टार्ट करें जी। उसके बाद में आप उसके सामने देखेंगे ग्रीन कलर में इंस्टॉल लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में? ये ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है, लगभग 18 MB की फाइल। अच्छा, है अच्छा, तो ये डिपेंड करता है आपके नेट के ऊपर, नेट के ऊपर डिपेंड। अगर आपका फास्ट है तो ये बहुत जल्दी हो जाती है, बट अगर कई बार होता है कि नेट अगर स्लो है तो थोड़ा मैटर ज़्यादा 18 MB को ज़्यादा नहीं है, बट कोई शायद लोड होने वाला है बस, और कोई उतावला होने की जरूरत नहीं है। जो टाइम लग रहा है उसको लें और प्रॉपर इसको इंस्टॉल करें। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब हमारा ईबर्ड इंस्टॉल हो चुका है और अब हमें ओपन करना है। जी, तो ओपन करेंगे तो अब आप देखेंगे स्क्रीन पे कि यूजर नेम और पासवर्ड मांगने लगा है। जी ठीक, तो ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी हैं ईवर्ड यूज, जो ऑलरेडी ईवर्ड यूज कर रहे हैं, वो लोग जानते हैं कि यहाँ पे उनको अपना ईवर्ड मतलब पासवर्ड और आपका यूजर नेम डालना है। ठीक, लेकिन जो लोगों के पास नहीं है वो उनको क्रिएट करना होगा। अच्छा, उसके लिए एक नीचे बटन है क्रिएट अकाउंट, ठीक है, आप उसको प्रेस करेंगे। जी, और जब उसको प्रेस करेंगे तो इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये आपसे कुछ डिटेल मांगना शुरू कर देगा। ठीक है, so जैसे कि श्याम जी जो बता रहे हैं उसका ये है कि जो भी आप नया फर्स्ट टाइम आप ईबर्ड पे जा रहे हो, तो फर्स्ट टाइम जब आप जाओगे तो आपकी ना सारी डिटेल्स और आपको सारी तरह नई तरह से फिल करना पड़ेगा, आईडी भी आपकी नहीं बनेगी। तो उसका जो फॉर्म खुल गया है आप देख सकते हैं कि इसमें नाम है आपका, लास्ट नेम है, इन यूजर नेम आप चूज कर सकते हो, इन पासवर्ड एंड ईमेल। तो यूजर नेम में कोई पर्टिकुलर ऐसा नेम होना चाहिए या कुछ भी डाल दो? अब मेरा पर्टिकुलरली मानना है कि यूजर नेम में आप जो भी रख रहे हो अगर आपके नाम से होगा तो वो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है, कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आप, क्योंकि आप बर्ड्स करोगे तो आपके नाम से होगा तो सब लोगों को मालूम पड़ेगा कि इस नाम से, तो आपकी आइडेंटिटी डिफाइन करेगा अगर आपका यूनिक नेम खुद का ही होना चाहिए। बिल्कुल, तो मैं अब यहाँ पे
स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट नेम SHYAM जी, ठीक है। लास्ट नेम SHARMA, ठीक है। यूजर नेम एक आईडी जो मुझे क्रिएट करना है तो मैं डालता हूँ अभी SHYAMKNP, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में एक पासवर्ड जो मुझे अभी बनाना है इस ई बर्ड के लिए। अच्छा, नया तो पासवर्ड क्रिएट करना, बिल्कुल नया पासवर्ड क्रिएट करना है। मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि पासवर्ड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ होती है। सो अभी जस्ट हम एग्जांपल के लिए ये आईडी बना रहे हैं, सो उसमें श्याम जी पासवर्ड आपको पूरा दिखाएंगे। बट जब भी आप कभी पासवर्ड डालें सो ध्यान रखें कि पासवर्ड आप ही को मालूम होना चाहिए, ये आपकी सीक्रेट है, कोई भी आपकी प्रोफाइल को खोल ना सके। और ये जो सब किया जा रहा है ये सब ये डमी है आपके लिए, तो आप ये ना समझें कि मैं आपको ये सब कुछ मेरा खुद का ओरिजिनल बता रहा हूँ, बट इट्स फॉर आपको जानने के लिए, समझाने के लिए प्रॉपर एक डमी पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके उस तरीके से बता रहे हैं जी। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड रखता हूँ SHYAM123456, राइट। मैंने, मेरे को ये इजी लगा और मैंने ये रखा, ठीक है। एक यूनिक ईमेल आईडी जो हमारे पास होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी जो मेरा है जो ऑलरेडी एक्टिव है उसको मैं यहाँ पे डालता हूँ। अच्छा, एक्टिव ही क्यों होना चाहिए, जैसे कुछ, क्योंकि जब आप इसमें रजिस्टर्ड करोगे जी जी, सो ईबर्ड की तरफ से एक मेल जाएगा कंफर्मेशन के लिए। अच्छा, सो वो एक्टिवेशन मेल होता है, जब है? आप अपना मेल एक्टिव मेल खोलोगे तो एक मेल रिसीव होगा, उस पर एक ब्लू कलर की एक्टिव मेल लिखा होगा, तो वो एक्टिव मेल आईडी पे आएगा। तो अगर वो नहीं खोल पाए आप तो कोई फायदा नहीं, हां उसको नहीं खोल पाए तो कोई मतलब नहीं है अकाउंट क्रिएट करने का, ठीक है। इट्स आफ जी जी। तो मेरा ईमेल आईडी डालता हूं SHYAMKNP77@gmail.com, ठीक है। और इसके बाद में हमें क्रिएट अकाउंट पे प्रेस करना है, ठीक है। अभी ये आप, हाँ, क्योंकि ये पासवर्ड को थोड़ा सा इसको लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वो करना ही चाहिए, मतलब 8 कैरेक्टर से कम तो होना ही नहीं। हाँ, पासवर्ड में रख देता हूँ SHYAM123456, ठीक है। और मेरा एक्टिव ईमेल आईडी, ठीक है, तो SHYAMKNP77@gmail.com, राइट, ठीक है। और अब मुझे क्रिएट अकाउंट पे प्रेस करना, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लें आपका सही है कि नहीं है, और सही है तो आप यस को क्लिक करें। अभी आपने देखा ये समस्या आपके सामने भी आ सकती है, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि SHYAMKNP, अच्छा, ठीक है ना जी। तो ये इसको बोल रहा है इस नॉट लॉन्गर अवेलेबल, यानी कि ऑलरेडी ये और किसी के पास है, तो ये समस्या है जो आ सकती है और इन्हीं के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये एक समस्या हमारे सामने आई, हम कर रहे थे, हमने सब कुछ कर लिया लेकिन ये नहीं है, तो हमें इसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं इसको SHYAMBTPKNP, ठीक है, मैं ये कर देता हूँ, कर देता हूँ, राइट। और अब मैं इसको फिर एक बार चेक करता हूँ कि ये मेरे को मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो अकाउंट पे मैंने फिर दोबारा से क्रिएट अकाउंट पर प्रेस किया है, एक बार और करना पड़ेगा आपको, और आप उसको चेक करके फिर यस पे क्लिक करें, ठीक है। और फिर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दिख रहा होगा चेक योर मेल उसने लिखा है, तो अब हमें यहाँ से इसको इसी यहीं पर बंद करते हैं और हम जाते हैं अपने ईमेल आईडी पर, ठीक है। तो जैसे ही हमने ईमेल आईडी को अपने को ओपन किया तो दिख रहे हैं सबसे ऊपर हमारे पास एक मेल आया हुआ है टीम ईबर्ड की तरफ से, ठीक है। हम इसको ओपन करते हैं जी, और उसमें एक एक्टिव अकाउंट के लिए लिंक दिया हुआ है। अब हमें इस बटन को प्रेस करना है और अपने अकाउंट को एक्टिव करना है, ठीक है। अकाउंट एक्टिव होते ही हमें कुछ और जानकारी जो ईबर्ड को चाहिए होती है वो हमें इसमें फिल करनी होती है। ये मैंने इसमें हम लोगों ने पहले क्योंकि हम बता चुके हैं कि ये डमी है, तो ये हमने डाला हुआ है पहले से, तो ये आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रीट एड्रेस और सिटी भरतपुर, स्टेट राजस्थान, जिप कोड और ये सब कंट्री, ये सब मैंने अपनी जानकारी इसमें फिल करनी है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको इसमें डालनी है। है, उसके बाद में इसको हमें सेव करना होगा, ठीक है। एड्रेस सेव्ड होते ही थैंक्स का आपको, ठीक है, ओके, ठीक, बटन दिखने लगेगा और इस पर आप चाहें तो आप इसमें लिख रहा है इस पर आप कंटिन्यू टू ईबर्ड, क्योंकि हमारा अकाउंट अब बन चुका है, अब हमें देखना है कि हमारा कैसे एक्टिव है कि नहीं है या काम कर रहा है कि नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम लोग जो हमने ऐप डाउनलोड किया उस ऐप पे जाते हैं ईबर्ड पे, ठीक है। तो हम ईबर्ड को प्रेस किया, चलो हमारा एकदम से ले रहा है, क्योंकि कई बार ले लेता है, कई बार शायद कई बार नहीं भी लेता है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि नहीं है तो आप इसमें अपना
डाल सकते हैं, जो भी आपने यूज लिखा है, जो आपने ईवर्ड के लिए यूजर नेम बनाया है वो आप यहाँ पर डालें, ठीक है, और आपने जो पासवर्ड रखा है उसके लिए, ठीक है, तो वो डालें। और लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ और आप देख रहे हैं कि अब आपका अकाउंट लॉग इन होने वाला है। आपसे पूछेगा आपको पासवर्ड सेव करना नहीं करना, वो आपके ऊपर है, मैंने इसको भी सेव करने के लिए बोला है। जब आपका अकाउंट सेलेक्ट हो जाएगा और आपका ये स्क्रीन पर खुलने लगेगा, फिर ठीक है, तब यहाँ पे आपको थोड़ी सी कुछ अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना, वो जर्नल थी चीज, अब यहाँ अंदर सेटिंग्स में अपन घुस चुके हैं और यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, स्क्रीन की तरफ ध्यान रखना और ये देखना श्याम जी आपको क्या समझा रहे हैं जी। अब यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है उसमें सबसे ऊपर लिखा है कि स्पीसीज का नाम का जो आपको डिस्प्ले चाहिए आपके उस पर, वो आपको कॉमन नाम में चाहिए जी में चाहिए या फिर साइंटिफिक नेम में चाहिए। तो जो बिगनर्स है मेरे हिसाब से उनको कॉमन नेम पे क्लिक करना है, क्लिक करना है, और जो जो पहले से कर रहे हैं वो लोग साइंटिफिक नेम और दोनों को भी लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, क्योंकि उनके नीचे बोथ लिखा है, उसमें कॉमन नाम भी होगा और साइंटिफिक नाम भी होगा, तो आप नॉर्मली कॉमन नेम ही सेलेक्ट करें। हाँ, जो बिगनर है और जो पहले से काम कर रहे हैं वो लोग बोथ पे रहेंगे, तो उससे कई बार बहुत सारी चीजें जो स्प्लिट हो रही हैं चीजें बर्ड्स और वो, तो उनको समझने में हेल्प होती है, राइट, ठीक है। उसके नीचे लिखा है सो कॉमन नेम नेम इन इंग्लिश, कौन सी इंग्लिश, कौन सी इंग्लिश, तो अभी हम लोग इंडिया में खड़े होकर ये वीडियो बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो हम लोग ठीक है यहाँ पे कोशिश करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश इंडिया कहाँ है। अच्छा अच्छा, तो ये इसमें आप दिख रहा होगा स्क्रीन पे इंग्लिश इंडिया आ गया, तो इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करना, तो प्लीज इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करें, ठीक है। वो टैक्सोनॉमी को अपडेट करने के लिए थोड़ा टाइम लेगा आपसे। उसके नीचे है जैसे वो आप देखेंगे ऊपर इंग्लिश इंडिया लिखा हुआ दिखने लगेगा आपको, उससे नीचे है सो डिस्टेंस, क्योंकि जो आपका डिस्टेंस जो आपको शो करना है वो माइल्स में करना है कि किलोमीटर्स में करना है, तो क्योंकि हम लोग इंडिया में कर रहे हैं तो हम लोग किलोमीटर्स को अगर रखेंगे यूज करते हैं तो हम लोग किलोमीटर यूज करते हैं, तो अगर हम किलोमीटर पर डालेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ठीक है। और ये सब करने के बाद में हमको कंटिन्यू करना है, तो बेसिकली तीन चीजें इस पेज पर जो आप देख रहे हो रखनी है ध्यान, एक तो आपको इंडिया इंग्लिश सेलेक्ट करना है, दूसरा कॉमन नेम रखना है और तीसरा किलोमीटर डिस्टेंस आपको रखनी है, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट करें जी। अब उसके बाद में हम कंटिन्यू जो लिखा है नीचे उसको प्रेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है इंस्टॉल अ बर्ड पैक, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि हमने ई बर्ड को डाउनलोड कर लिया, अच्छा अच्छा, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये चल नहीं रहा है, अच्छा, ये नहीं हो रहा है, ये समस्या आती है, क्योंकि लोग कई बार ना पैकेज नहीं डाउनलोड करते हैं। अच्छा, जो बिगनर्स होते हैं वो पैकेज को डाउनलोड करना नहीं कर पाते हैं, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ लिख रहा है इंस्टॉल अ बर्ड पैक, ठीक है। तो आप यहाँ से सजेशंस, आप व्यू सजेशंस पे सजेशन पे भी जा सकते हैं, ठीक, या फिर आप ब्राउज ऑल पैक्स पे भी जा सकते हैं, तो पैक्स ईवर्ड पर अवेलेबल हैं या तो वो जी, या सजेशन पे क्लिक करेंगे तो फिर वो जहाँ आप रह रहे हो उस एरिया की दिखाएगा या सारे कहाँ की दिखाएगा, नहीं वो आपके जीपीएस से फिर आपको जहाँ आप जहाँ से आप कर रहे हो वो आपको दिखाने की कोशिश करेगा जी जी, राइट। तो हमने हमारे श्याम अंसार भाई को खांसी आ गई, थोड़ा सा चले गए, लेकिन हमारे श्याम जी कंटिन्यू कर रहे हैं जी। तो जैसे ही मैंने देखा आपने कि मैंने जो सजेशंस जो थे उस पर क्लिक किया जी, राइट, तो वहाँ पर जैसे ही करेंगे तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये कुछ बोल रहा है, ये आपकी लोकेशन लेने की कोशिश कर रहा है, क्यों, जिससे कि इसको ईजी हो ढूंढने में कि आपको कौन सा पैक सजेस्ट करना चाहिए, आप कौन से एरिए में, कहाँ से हो, उस जगह का आपकी लोकेशन से पता चलेगा, ठीक है, आपके लिए ये पैक सही है, सही रहेगा, ठीक है। तो मैं ये लिखा है वाइल यूजिंग द ऐप कर रहा है, नहीं कि मैं कर रहा हूँ ओनली दिस टाइम, मुझे अब ये मैं लोकेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ हूँ, उस हिसाब से मुझे कोई ऐप कौन सा ये सजेस्ट करता है मैं देखता हूँ, तो ओनली दिस टाइम पे मैंने अभी क्लिक किया, तो ये अवेलेबल पैक के तौर पे इसने मेरी लोकेशन के हिसाब से मुझे इंडिया बांग्लादेश भूटान और नेपाल चार पैकेज मेरे सामने रख दिए जो आसपास हैं, राइट। तो हमें क्योंकि हम इंडिया में और हमें इंडिया का पैक हमारे पास होना चाहिए, होना चाहिए, तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इंडिया पैक को हमें गेट पर क्लिक कर देना है, गेट लिखा है उसके और गेट पर क्लिक करना है और उसको पैक को डाउनलोड करना है। अब यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये पैक काफ़ी थोड़ा सा टाइम लेता है, जिसके पास नेट की स्पीड अच्छी है जी वहाँ तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा भी नेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ ये थोड़ा काफ़ी टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट की कमी है, वैसे भी हम जंगल में है तो थोड़ा सा अभी नेट जो है ठीक नहीं है, ठीक। तो ये आपको पैक डाउनलोड करना है, उसको हम
तो हमारा पैक तो हो रहा था डाउनलोड, और इस बीच में हमारे अंसार भाई की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, क्योंकि एक्चुअली क्या उसकी तबीयत दो तीन दिन से थोड़ी सी नासाज चल रही है। तो मैंने कहा उसे आप थोड़ा सा रेस्ट कर, जब तक बाकी का काम हम भाई साहब से समझ लेते हैं, हमारे श्याम भाई साहब से। तो एक्चुअली इन्होंने पहले जो मोबाइल यूज़ कर रहे थे वो मेरा वाला था, और उस पर पैक तक आ गए हैं, पैक यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो पाएगा। अब ये अपनी एक्टिव आईडी है इनकी, आपको पता ही है, नेचुरलिस्ट हैं, इंडिया में दुनिया भर की जगह जा चुके हैं, और ईबड़ी बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। तो अब इनके फ़ोन पर समझेंगे कि एक पैक डाउनलोड होने के बाद अपन को क्या करना है। अब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि आपका जब जब डाउनलोड हो जाएगा ना जी, तो आप रेडी टू यूज हो जाओगे। ठीक है, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो जो ऊपर लेफ्ट में ये थ्री ग्रीन लाइन जो दिख रही हैं, इनको आप क्लिक करोगे और ऊपर पैक्स लिखा हुआ है, आप है? इसको चेक कर सकते हैं आपके पास है क्या, किया क्या है आपने, आपका इंस्टॉल हुआ है, हाँ कौन कौन से पैक हैं। तो अभी मैंने इंडिया इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, हम जो डाउनलोड करना चाह रहे थे वो इंडिया वाला था और इसमें इंस्टॉल्ड है, और इंस्टॉल्ड लिखा हुआ है। अगर ये इंस्टॉल नहीं होता तो नीचे देख रहे हो आप बांग्लादेश गेट लिखा आता, तो आप उसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अब हमारा जो ऐप है वो रेडी टू यूज है। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं हम लोग कि हमें लिस्टिंग करनी है। अब कहीं हम जा रहे हैं तो हमें कैसे, हमको प्रॉपर तरीका से लिस्टिंग होगी और क्या क्या होगा कि हम लोग बर्ड जो बर्ड्स हैं उनको मतलब एक ऑथेंटिक तरीका से हम पूरी जानकारी इसमें इकट्ठा कर सकते। तो हम लोग यहाँ आप चेकलिस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। सीधा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि ये स्टार्ट चेकलिस्ट लिखा हुआ है, आप यहाँ से स्टार्ट चेकलिस्ट तो करेंगे, लेकिन उसके नीचे भी आपको सबमिट, चेकलिस्ट, एक्सप्लोर और माई ई बर्ड, ये चार बटन और भी होंगे। अभी आप इनको देख लीजिए, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। ये रिकॉर्ड ट्रैक है, आप इसको जब फील्ड में रहें तो आप प्लीज़ इसको ऑन ही रहने दें। अच्छा अच्छा, जिससे कि ये आपका एक जीपीएस से आपका एक ट्रैक तैयार कर सके। अच्छा, जो हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो ये ट्रैक को रिकॉर्ड करे कि आप कितने एरिया में आपने वॉक किया है, जानकारी हो बर्डिंग की, जिससे कि अभी बात हो रही थी ना एक ऑथेंटिक चेकलिस्ट पता चले कि ये जो कहा किया गया है ना, जो रियल में ही वहाँ पे किया गया है कि ये कोई फेक किया गया। अच्छा अच्छा, इसलिए ऑन रखना है, इसलिए इसको हमेशा ऑन रखने की कोशिश करें। हाँ, कहीं बैठ के एक जगह पे जिसको स्टेशनरी चेकलिस्ट कहते हैं, अच्छा, उस जगह पर अगर बैठ के कहीं जैसे हाइट पर बैठ के कोई बर्डिंग कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर ट्रैक ऑन करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रैक ऑन करने से बैटरी भी ठीक है, ठीक थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका लगता है। ठीक है, समझिए। तो अभी क्योंकि हम लोग फील्ड में हैं और तो हमारा ट्रैक भी ऑन है, ऑन है, अब हम लोग इस चेकलिस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट चेकलिस्ट को क्लिक किया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्योंकि हमारे पास पैक है इंडिया का, इसलिए आपको ये चेकलिस्ट दिखाने लगेगा। अच्छा, अब ये पूरी इंडिया की दिखा रहा है ये, अभी आपको जी ऑटोमेटिक आपके हिसाब से जी लोकेशन के हिसाब से, अच्छा हमारी लोकेशन जहां हम हैं अभी वहां के हिसाब से दिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर भी इसको और ज्यादा व्यवस्थित और बेहतर करने के लिए आपको करना क्या है, ऊपर देखिए एक ऑटो सेलेक्टेड आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, जहां आपकी गाड़ी चल रही है उसके राइट में जी जी दिख रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करें। ठीक है, जब वहां पर देखेंगे तो दो चीजें लिखी ऊपर, रीसेंट और नियर बाई। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट, जो लोकेशन आई है वो रीसेंट या यही है या उसके नियर बाई। अब ये रीसेंट नीचे दिखा रहा है, रीसेंट में ये लोकेशन से, अगर इनमें से एक लोकेशन आपकी है जहां आप हो तो आप उसको चूज कर सकते हो। ठीक, राइट, नहीं है तो नियर बाई भी चेक कर सकते हो। ठीक है, राइट, ठीक है, रीसेंट में ये जो आ रही है वो और नियर बाई में कौन कौन सी है वो। अच्छा, ये आपकी लोकेशन जो ऑलरेडी ई बर्ड पे जिन लोगों ने की हुई है, जो लिस्टेड है, जिन्होंने लिस्ट डाली हुई है उनकी, वो आपको ये दिखाएगा कि यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने कभी आके चेकलिस्ट सबमिट की है, तो वो ट्रैक दिखा रहा है यहाँ पे, वो लोकेशन दिखा रहा है आपको यहाँ पे। तो या तो आप उसी लोकेशन को सेलेक्ट कर लो या आपके उसकी नियर बाई कोई लोकेशन है उसको सेलेक्ट करना है। हाँ ठीक, और अगर चाहते हैं जी कि यार ये ना तो इनमें से कोई मेरी जो लोकेशन जो दिख रही है ना, अच्छा, इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जहाँ मेरे पास है। अच्छा अच्छा, तो अब मैं क्या करूँ, राइट जी, तो उसके लिए जैसे ये ऑटो सेलेक्ट में जब हम गए ना तो सबसे पहले उसने सबसे जो ऊपर का जो लोकेशन लेगा वो आपका होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्चुअल में हाँ, एक्चुअल में हम अभी दबाग में हैं तो दबाग भरतपुर ये ऐसे निकाल के ला रहा है, अदरवाइज ठीक है। ये जो नीचे जो दिख रहा है पुष्पवाटिका रोड, हाँ ठीक है, इसको मैं एक बार क्लिक करता हूँ और आप देखिए यहाँ पे आप इसको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे, रुकूंगा, हमारे अंसार भाई फिर वापस आ चुके हैं प्लीज में, प्लीज, और इनको थोड़ा सा रिलैक्स दे दिया मैंने बेचारे, थोड़ी तबीयत खराब है, लेके आए और दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि इनकी हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा अपकमिंग जो इवेंट आने वाला है ग्लोबल बर्डिंग का, इनके बगैर वो शायद यहाँ पे बेसिकली तबीयत तो चलो जैसी भी है वो ठीक है, पर मेरी मीटिंग थी बीएनएचएस के साथ, तो उन लोगों के साथ बैठ के ई बर्ड पे जो हमें ग्रुप बनाने हैं उसी को लेकर डिस्कशन चल रहा था। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। तो हम लोग अभी यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं और श्याम जी को दोबारा बोलता हूँ कि स्टार्ट करें जी। तो जैसा मैंने कहा था कि अगर हम कोई नियरेस्ट लोकेशन अपनी
तरह से नहीं देख पा रहे हैं, तो हम उसको अपनी लोकेशन का एक नाम दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे हमने कहा जो जो उसने ऑटो सर्च करके जो लोकेशन आपको लेके दी थी, उस लोकेशन पर आपने क्लिक किया और देखा तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि यहाँ पर नीचे एक रीनेम लिख रहा है लेफ्ट में। अच्छा अच्छा अच्छा। अब हम इसको रीनेम ग्रे कलर का जी, उस पर रीनेम पे जाएंगे तो ये दिख रहा है पुष्पवाटिका रोड भरतपुर राजस्थान, राइट जी। लेकिन मैं इसको पुष्पवाटिका रोड की बजाय मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पुष्पवाटिका रोड ना होके ये गिरिराज कैनाल है, ठीक राइट ठीक है। तो क्योंकि पास में ही पुष्पवाटिका है इसलिए इसको दिखा रहा है, ठीक है राइट। तो मैं यहाँ पे इस पूरे को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ गिरिराज। जब तक हमारे श्याम जी लिख रहे हैं, हमारे अंसार भाई कैनाल बिजी हैं, फ़ोन पे फ़ोन आते रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली इवेंट जो हो रहा है ना यही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम भी इन्हीं की टीम में हैं, तो उनको भी लगे रहने दो। लेकिन नहीं नहीं नहीं, हाँ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी काम है, बिजी है, हाँ। लेकिन उनका आना जाना लगा रहेगा। ऑलरेडी हमें भी नोटिस मिल चुका है बहुत कुछ करने का, लेकिन आपके लिए स्पेशली आपके लिए जी हमें थोड़ा आ जाओ, आपका आना जाना हमने अब कह दिया है अपने जितने भी व्यूअर हैं कि ये आते जाते रहेंगे, आप इनकी तरफ ध्यान कम देना, लेकिन इनसे एक आध सवाल मुझे पूछने हैं। मैं बहुत सवाल सवाल पूछने में ना कभी मत चूकी, आप इनके वीडियो के नीचे ना वहाँ पे भी कमेंट करके इनसे सवाल पूछ सकते हैं, आपको कोई भी अगर समस्या है किसी प्रकार की तो कर सकते हैं। तो कंटिन्यू, जैसे हमने कहा कि हमने वहाँ पे गिरिराज कैनाल लिख लिया, राइट गिरिराज कैनाल लिख दिया, गिरिराज कैनाल करके, और मैं गिरिराज कैनाल भरतपुर, ठीक है राइट, यहाँ पे है, ठीक हाँ जी। तो मैंने अब इसको यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। पर बेसिकली मैं बोलना चाहूंगा, जैसे अभी श्याम जी जिसको नाम दे रहे हैं जगह को, अगर आप कंफर्म है 100% उसके बाद ही दें, अदरवाइज थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि लोग बाग उस पे आएंगे तो वो आपका और भी लोग कंफ्यूज होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात कही आपको, आपको देखना है कि आप बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसी लोकेशन जो ऑलरेडी उनका नाम अभी पढ़ा नहीं है या जो भी है, इसलिए आपको अगर ऐसी कुछ डालनी है और बिल्कुल सही है सटीक जानकारी तो आप डालें, अदरवाइज ऑटो सर्च पे जो आ रहा है आप उसी को एज ए टिच रहने दें, तो ठीक है। अब हम अब ये गिरिराज के नाम से उसने ले लिया, लेकिन हमारी लोकेशन के हिसाब से और जो इसने अपना पैक है उसके हिसाब से हमारी लिस्ट हमारे सामने। अब जैसा कि हम यहाँ पे हैं जी, हमने अब हमें लिस्टिंग करनी है, ठीक है। तो हम जैसे घर से निकले, घर से निकलते ही हमने देखा कि जंगल बैबलर, अच्छा ठीक, करीब 7 जंगल बैबलर फीड कर रहे थे, कुछ ट्रीज पे थे कुछ ग्राउंड पे थे फीड कर रहे थे, ठीक है। तो मुझे अब जंगल बैबलर को यहाँ पे नोट करना है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक एक करके से सर्च करूंगा तो फिर कहाँ तक ढूंढूंगा, कहाँ तक नीचे जाऊं, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ऊपर आप यहाँ पे अच्छा सर्च का ऑप्शन, सर्च का ऑप्शन है, उसमें जाएं और वहां पे आप जंगल बैबलर लिखें। आप देख रहे हैं मैंने जंगल ही लिखा है, तब जंगल से संबंधित जितनी भी चिड़िया है वो सब स्क्रीन पे आपको दिखने लगेंगी, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे दिख रहा है मुझे जंगल बैबलर, मैंने देखे कितने थे 7, बिल्कुल। तो मैं एक दो ऑप्शन है यहाँ टिप करने के, हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार इसके लेफ्ट में जो प्लस है उस पर क्लिक करके भी हम 7 लिख सकते हैं, अथवा हम सीधा जंगल बैबलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ नंबर्स की जगह पर आपको तब तक खाली मिलेगा, तब यहाँ पे आप सीधा 7 लिखें और डन करें। अच्छा अच्छा, दोनों तरह से हो सकता है, जी हाँ। अब जी उसके बाद में हमने थोड़ी दूर और आगे चले तो हमें दो रोजी स्टार्लिंग दिखी, तो हमने 2 रोजी स्टार्लिंग डाली, ठीक है। फिर हमने बैंक में ना देखी करीब 10, तो हमने 10 बैंक में ना हमने डाली, और फिर पता चला कि थोड़ी देर बाद में 2 जंगल बैबलर और मिल गए, अच्छा हमने 2 और बार और क्लिक किया तो 9 हो गए। इसी प्रकार से हमें दिन में जितनी भी चिड़ियाएं मिले, राइट जी, तो हम जितनी भी उस टाइम जहाँ तक हम जब जा रहे हैं जो हमारा बर्डिंग टाइम है, अच्छा हाँ बर्डिंग के लिए एक बार कोशिश करें कि जब आप घर से बाहर निकले ना और आपको पता है कि आपको ई बर्ड कैसे यूज करना है, आपको कैसे ऐड ऑन करना है, ये सारी चीज़ें पता है, तो आप कोशिश करें कि एक कम एरिया की चेकलिस्ट बनाने की कोशिश करें। अच्छा अच्छा अच्छा, जिससे क्या होगा कि आप एक पर्टिकुलर हैबिटेट को शो कर पाओगे, शो कर पाएंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अगर आप बनाते हो जी जी, तो वो आपके लिए ज्यादा उठे। तो इसे मान के चलिए मैं यहाँ से निकला ई बर्डिंग करने निकला हूँ और सुबह से लेकर शाम तक 50 किलोमीटर चलता गया, तो उसमें ये नहीं पता चला कि हमने कौन कौन से हैबिटेट को कवर किया। अच्छा, वो बदल जाएगा क्योंकि हैबिटेट बहुत बहुत हैबिटेट चेंज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, काफी चेंज हो जाएगा, ठीक है ठीक। अच्छा, तो हम चलते जा रहे हैं और हमारे मान के चलिए हमने अभी कम से कम, हाँ एक और बात बता दूं, ई बर्डिंग जब करने निकले तो आपको कम से कम 15 मिनट फील्ड में इसको ऑन रखना है। अच्छा अच्छा, 15 मिनट तो बर्डिंग करनी ही करनी है मिनिमम, हाँ उसके बाद में आप
एक घंटे दो घंटे जो भी ये कर सकते हैं, बट एरिया कम से कम होना चाहिए। जब आपको लगता है कि दो घंटे आप 2 किलो स्क्वायर किलोमीटर का लगभग एरिया आपका पूरा हो रहा है और ये आपका हैबिटेट कवर हो गया, तो आप दूसरे हैबिटेट में पहुंच गए, तो आप उसको वहीं पे चेकलिस्ट को स्टॉप करें और शेयर करें और उस हैबिटेट में जाके दूसरी चेकलिस्ट बनाएं। अच्छा, दूसरी चेकलिस्ट आप कितनी भी चेकलिस्ट डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं, ये नहीं है कि आपको एक ही चेकलिस्ट डालनी है। ठीक है, ठीक है, राइट, ये अच्छी बात, ठीक है। तो उसके बाद हमें करना क्या है कि ये हमें अपनी चिड़ियाओं की एक लिस्ट तैयार कर लेनी है। ठीक है, जो भी हमने जो दिखा हमने, मैं अभी आपको केवल डमी के लिए सब बताता जा रहा हूँ, तो एक एक करके मैं ऐसे लगा रहा हूँ कि जैसे मैंने एक एक देखी है अभी, एक चेकलिस्ट तैयार कर रहे हैं, डमी चेकलिस्ट है, एक डमी चेकलिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे मैंने एक रॉबिन लिखी, जहाँ दो कर देता हूँ, है ना, थोड़ी देर बाद मिल गई, है ना, ऐसे ही हमें ये हमें एक लिस्ट तैयार करनी है, राइट। ठीक है, ये जब हमारी एक लिस्ट तैयार हो गई, सबसे पहले इसको हम स्टॉप करेंगे। जैसे हम स्टॉप करेंगे तो ये स्टॉप ट्रैक के बारे में पूछेगा, बटन आएगा, आपको स्टॉप, हाँ, आपको ट्रैक को स्टॉप करना है। ठीक है, जैसे ट्रैक स्टॉप हो जाएगा तो आप देख रहे हो एक साइड में मिनट्स और एक तरफ में ऑब्जर्वेशन, ठीक है, लिखा आ रहा है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ एक जगह खड़े होकर बना रहे हैं इसलिए हमारा मैप रिकॉर्ड नहीं किया गया, अदरवाइज ये मिनट्स के राइट में आपको मैप का भी डिस्टेंस कि आप कितने, हाँ, कितने किलोमीटर कितने मीटर आप चले, ठीक, तो वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर 18 मिनट आ रहा है, हम लोग 18 मिनट से लगे और जो भी है, और कम से कम 15 मिनट होना चाहिए और बाकी कितना भी टाइम इसमें आ सकता है। और ऑब्जर्व अगर एक से अलग हैं आप, तो कोशिश करें कि जैसे आप 4 लोग निकल रहे हैं तो 4 लोग अलग अलग चेकलिस्ट ना बना के एक ही चेकलिस्ट बनाएं, और उसको चारों की जो ईवर्ड आईडी है उस पर शेयर करें। उससे ये होगा कि आप सबने ये चीजें देखी, सभी ने एक साथ देखी, हाँ, तो एक ही चेकलिस्ट बनाने की कोशिश करें। अगर चार लोग मतलब हैं, 5 लोग हैं, जब आप ग्रुप में हैं तो एक आदमी ईवर्ड यूज करे, बाकी के उसको बताते रहें कि अब ये नोट कर लो, अब ये नोट कर लो, अब ये नोट कर लो, हाँ, उससे चीजें छूटती भी नहीं है, छूटती भी नहीं है, ठीक है ना। सभी अगर अलग अलग लगे रहेंगे, कई बार क्या होता है, हम लोग सब लोग केवल और केवल फोन पे लगे पड़े बस ईवर्ड, तो कई बार चीजें छूट जाती है क्योंकि स्क्रीन को देखना, और क्योंकि कई चिड़िया ऐसी है जो केवल ग्लिम्प देती है, कुछ सेकंड के लिए दिखती है, ठीक है, हो सकता है उन चीजों का मिस कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कोशिश करें कि एक बंदा ई बर्ड बनाए और बाकी के सब लोगों का एक्टिव रहना चाहिए फील्ड में, जी, जी, तो जहाँ पर जिससे कि कोई चीज छूटे नहीं, ठीक है ना, ठीक है, तो जो ई बर्ड यूज कर रहा है वो जो ई बर्ड के ऊपर आपको जो लिस्ट बना रहा है अगर वो नहीं देख पाया है तो कम से कम उसको आप देख पाए, ठीक है, ठीक है। और अब आर यू अब उसके देखेंगे चेकलिस्ट कमेंट के बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है आर यू सबमिटिंग अ कंप्लीट चेकलिस्ट, जी, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये पूरी तरीके से कंप्लीट है, हमने जो कुछ भी छूटा नहीं है हमसे, ठीक है, राइट, जी, तो आप उस पर यस करें, ठीक है, राइट, जी, और अगर नहीं है आप श्योर तो नो करें, नो करें, बाकी मैक्सिमम जब आप फील्ड में होते हो तो अधिकतर टाइम होते हो, सही, तो आप यहाँ पे उसको यस करें और फिर नीचे सबमिट पे करें, सबमिट पे क्लिक करें, और आप देखोगे चेकलिस्ट सबमिटेड हो गई है। तो अभी आपको हमने बताया है कि कैसे आपको एक अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करके कैसे आपको ऐप को यूज करना है, ठीक है, राइट, ठीक है। और समस्याएं जो आती है ना कि आपकी चेकलिस्ट सबमिट नहीं हो पाती है कई बार, तो वो यही है कि आप कुछ ऐसी स्पीसीज कई बार डाल देते हैं जो वहाँ पे यूजुअली होती नहीं या अनरिपोर्टेड होती हैं, तो उनके लिए अगर आप जब तक नोट्स नहीं डालोगे वहाँ पे, जब तक उनको डिटेल्स नहीं डालोगे, तब तक वो कोई ऑथेंटिक नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम और अगर आप चाहेंगे कि आपको और भी ज़्यादा डिटेल में जाना है और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन के बारे में और ये ऐप कहाँ कहाँ और आपकी हेल्प कर सकता है, उसके लिए हम और किसी दिन वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया कि कैसे आपको इंस्टॉल किया, कैसे आपने आपको उसका अकाउंट क्रिएट किया, कैसे आपने ऐप को चलाया, फिर उसको लिस्टिंग की, फिर लिस्टिंग करने के बाद में उसको फिर सबमिट किया, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और ज्यादा जान के अगर जानना है आपको तो आप धर्मेंद्र भाई साहब के यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें और बताएं हमें कि आप और क्या जानना चाहते हैं, किस हिसाब से जानना चाहते हैं, और हम कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए फिर यूजफुल होगी। ठीक है, तो बहुत 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 धन्यवाद हमारे श्याम भाई साहब का और अंसार भाई साहब का। और अंसार भाई साहब अब इवेंट में बिजी हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, वो दवा के फोन आ रहे थे उनके, नासिम जी के, और एक्चुअली क्या उसमें काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, तो मैंने कहा आप आराम से काम कीजिए, हमारे श्याम भाई साहब ईवर्ड समझा देंगे, उनसे भी दोबारा एक बार पकड़ेंगे और बर्लिन वगैरह ऐप के बारे में भी उनसे थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा सा लंबी हो गई है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, पूरी वीडियो देखना, और अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अब आपसे इजाज़त, अगला वीडियो, हाँ, हम कोशिश करेंगे कि वैसे तो हमने पहले बता दिया
बताया था कि एक ऐसा ऐप है जो जिससे हम लोग बर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजी आइडेंटिफाई कर सकते हैं मर्लिन। तो अगर आपको चाहिए कि इसी प्रकार का एक डिटेल्ड मर्लिन के लिए भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और फिर हम उसको जरूर बनाएंगे। तो चलिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो थोड़ी लंबी होती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।